कैरेबियन प्रीमियर लीग का 15वां मैच और पोर्ट ऑफ स्पेन के मैदान पे खेला जा रहा इस प्रतियोगिता का 5वां मैच खेला जाएगा सेंट लुशिया ज़ूक्स और सेंट किट्स नेविस पेट्रियट्स के बीच। इस मैदान पे अभी तक 152 से ज्यादा का स्कोर नहीं देखने को मिला है, तो ये पिच भी धीमी ही नजर आ रही है। ये मैच खेला जाएगा 27 अगस्त 7:30 बजे और देखते हैं कि इस बार बल्लेबाज कमाल कर पाते हैं या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट लुशिया ज़ूक्स की प्लेइंग 11 की। पिछले मैच में राकीम कॉर्नवॉल को टॉप ऑफ द ऑर्डर पे दोबारा मौका मिला था और झलक दिखी थी फॉर्म की, 2 चौके और 1 छक्का लगाया था, तो इस मैच में शायद एक और मौका मिल सकता है राकीम कॉर्नवॉल को। बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो स्कॉट कुगलहाइन, कैसिक विलियम्स और चेमार होल्डर ही रहेंगे। अब बात करते हैं सेंट किट्स नेविस पेट्रियट्स की। निक केली पिछले मैच में टीम में आए थे, लेकिन क्योंकि सारा काम टॉप ऑर्डर ने ही कर दिया था, उनको बल्लेबाजी में मौका नहीं मिला था, तो इस मैच में जरूर मौका मिलना चाहिए। एविन लुइस ने बहुत बेहतरीन पारी खेली थी 89 की, और क्या रन ठोके उन्होंने, मजा आया देख के। उसके अलावा बॉलिंग डिपार्टमेंट में यागे सर ने काफी अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 17 रन दे के 2 विकेट ली, तो वो भी कंटिन्यू करेंगे और अल्जारिफ जोसेफ भी होंगे। पिच के बारे में अगर हम बात करें, जैसा मैंने पहले कहा, ऑन द स्लोअर साइड रहेगी पिच और काफी स्लो देखने को मिल रही है, और ये हमें देखने को मिला है कि जो टीम चेस कर रही है वो ज्यादा मैचेस जीती है। तो सजेशन तो यही रहेगा कि अगर आप टॉस जीत रहे हैं तो दूसरी टीम को बल्लेबाजी करवाएं और आराम से चेस करें। मौसम तो ट्रिनिडाड का एक जैसा ही रहा है, दोबारा 31-32 डिग्री तापमान रहेगा, 70% के आसपास ह्यूमिडिटी रहेगी और आसार रहेंगे बारिश के 20%। इस मैच के लिए टॉप 2 पिक्स होंगे हमारे, एक तो एविन लुइस जो बल्ले के साथ डिलीवर करते ही जा रहे हैं, दूसरी तरफ होंगे मोहम्मद नबी जो बल्ले और गेंद के साथ दोनों परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। इस मैच में बिल्कुल मुश्किलात नहीं हुई है टॉप 2 पिक्स चूज करने में, तो एक मोहम्मद नबी और एविन लुइस। तो अगर एक फाइनल प्रेडिक्शन की बात करें, सेंट किट्स नेविस पेट्रियट्स के लिए ये मैच काफी मुश्किल हो सकता है, पॉइंट्स टेबल में आखिरी नंबर पे हैं और ऊपर आना शायद और मुश्किल होगा। सेंट लुशिया ज़ूक्स की फॉर्म पहले अच्छी थी लेकिन थोड़ी अब नीचे आ गई है, लेकिन इस मैच के हिसाब से एक बेहतर स्थिति में है सेंट लुशिया ज़ूक्स।